डोरा चिड़िया मजदूरी करती हुई ईंटों को ढो रही थी। इतने में झूले में झूल रही उसकी नन्ही सी बेटी रो रही थी। डोरा तुरंत उसके पास गई। चुप हो जा मेरी बिटिया, यूं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। इतने में ईंटों को ढोती हुई उसकी बड़ी बेटी आ रही थी, पर सर चकरा कर वो नीचे गिर पड़ी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? माँ ने अपनी बेटी को हाथ देकर उठाया। ईंटों के टूट जाने की वजह से मालकिन मही चील आकर बोली, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि छोटे बच्चों को काम पर मत ले आया करो। आप तो पैसों का सोचकर अपने बच्चों को ले आते हो, पर इस तरह जब नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भला कौन करेगा? गुस्से से डांट कर मही वहाँ से चली गई। माँ, भला क्यों सभी हमें यूं डांटते हैं? क्या हमें काम पर नहीं आना चाहिए? दरअसल छोटे बच्चों को काम पर ले आना सही नहीं है ना, इसलिए वे हमें यूं डांटते हैं, पर हमारी मजबूरी वो नहीं जानते ना। इस पर बेटी ने कहा, हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, हमारा गुजारा हो ही नहीं पाता। घर का राशन, किराया, इन सब में पैसे खत्म हो जाते हैं माँ। माँ, क्या हम इस काम के अलावा कोई और काम कर सकते हैं? जब और कोई काम मिलेगा तब वहाँ कर लेंगे, पर फिलहाल तो अपने पास ये वाला काम है ना, हम यही करते हैं। तुम ज्यादा भार नहीं उठा पा रही हो ना, तुम अपनी बहन के पास जाकर उसका ध्यान रखो। ये कहकर डोरा ने बेटी को छोटी बेटी के पास भेज दिया। डोरा ने अपना काम पूरा किया। डोरा, ये ले लो, मैंने बाकियों को दिहाड़ी दे दी है, ये तुम्हारे हिस्से की है, तुम्हारी बेटी के मिला कर दिए हैं। पर हाँ, कल से अपनी बेटी को काम पर मत ले आना। ये मत सोचना कि मैंने आज पैसे दिए हैं तो कल भी दूंगी। उसके पूरे काम ना करने पर भी मैंने पैसे दिए। डोरा ने बहुत दुखी होकर कहा, अगर मेरे पति जिंदा होते तो हम भी इतने मजबूर नहीं होते मालकिन, ये तो हमारी बदकिस्मती है। डोरा ने हाथ जोड़कर अपनी दोनों बेटियों को साथ लिए अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद जितना कुछ उनके पास बचा हुआ था वो खाकर तीनों सो गए। इस तरह माँ बेटी काम की तलाश में निकलते और जहाँ भी काम मिलता उसे कर अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। यूं एक दिन लूसी कबूतर डोरा के पास आई और उससे कहा, हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, गरीब अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं, अगर आपसे कुछ बन पाए तो हमारी मदद कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हम किसी और की सहायता करने के समक्ष नहीं हैं। लूसी कबूतर ने कहा कि कोई बात नहीं। इतने में डोरा की बेटी वहाँ पर आई। लूसी ने उसे देखकर कहा, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, कौन सी कक्षा में पढ़ रही हो बेटा? मैं कभी पाठशाला नहीं गई, मैं माँ के साथ काम करने जाती हूँ। आप अपनी बेटी को स्कूल न भेजकर काम पर क्यों ले जाती हैं? आप जानती भी है ये गुनाह है। ये सुनकर डोरा रोने लगी। मैं और कर भी क्या सकती हूँ, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। यूं रोते हुए डोरा ने कहा, अरे अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को हमारे आश्रम में ले जाऊंगी और हम उसे पढ़ाएंगे भी, आप जब चाहे तब अपनी बेटी से मिलने भी आ सकती हैं। लूसी से ये बात जानकर डोरा चिड़िया को पहले थोड़ा दुख हुआ। वैसे अपनी बेटी को खुद से दूर करना मेरे लिए इतना आसान तो नहीं है, पर मेरी बेटी को भर पेट खाना मिले ये भी उतना ही जरूरी है। वो पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इतना कर पाई तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। बेटा, तुम आंटी के साथ चली जाओगी ना, वहाँ तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा, तुम्हें पढ़ाएंगे भी, तुम्हें अच्छे कपड़े भी देंगे। इस पर उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं वहाँ पर तीन समय भरपेट खाना खाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी और तुम यहाँ अकेली मजदूरी कर तकलीफ झेलोगी। मैं वहाँ खुश रहूं और तुम यहाँ तकलीफों का सामना करो, ये मुझसे नहीं होगा माँ, इसीलिए मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना। बेटे का अपने लिए इतना प्यार देखकर डोरा की आंखें भर आई। इतनी छोटी उम्र में भी तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें सीख गई हो बेटा, पर मैं भी तुम्हारे भविष्य की सोच कर कह रही हूँ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अपनी बेटी को समझा बुझा कर उसने लूसी के साथ उसे भेज दिया। लूसी उसे अपने साथ ले गई। आश्रम में उसे भर पेट खाना मिलने लगा और वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। दूसरी ओर डोरा
अपनी बेटी की देखभाल करते हुए काम कर रही थी। डोरा की बड़ी बेटी मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी, जिसके बदले में उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। जब भी डोरा की बेटी को छुट्टियां मिलती थी, वो अपनी माँ से मिलकर उसे पैसे दिया करती थी। बेटा, कुछ हद तक अपनी तकलीफें दूर हुई हैं। सोच रही हूँ कोई व्यापार शुरू कर दूँ, जिससे हालात और भी अच्छे हो जाएंगे। माँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, इसीलिए जब भी मुझे खाली समय मिलता है, मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। उनसे जो भी कमाई होती है, उन्हें मैं इकट्ठा कर रही हूँ, वो भी मैं तुम्हें दूंगी माँ। बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? माँ ने उसे प्यार से गले लगाया। डोरा के जमा किए हुए पैसे और बेटी के दिए हुए पैसों से उन्होंने अपना एक व्यापार शुरू किया। उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। इस नए व्यापार की वजह से उनके हालातों में बहुत अच्छे सुधार आए। डोरा की बेटी खूब मन लगाकर आगे की पढ़ाई करने लगी। अब डोरा की जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी। टोनी और छोटू पढ़ाई कर रहे थे। टोनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, क्लास में हमेशा वही फर्स्ट आया करती थी, पर छोटू का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। पर वो दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए लड़के उसे बात करने की कोशिश करते, उसकी सुंदरता के कायर थे। सभी लड़के उस पर लट्टू थे, इस बात का उसे बहुत घमंड हुआ करता था। वो हर समय फोन में बिजी रहा करती थी। एक दिन टोनी ने उससे कहा, देखो छोटू, हर कोई तुम्हारी ओर देखते रहता है, इस बात के लिए तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब होगा। हर रोज कॉलेज तो आती हो, पर क्लास पर ध्यान न देते हुए तुम फोन पर आखिर करती क्या हो? तुम्हारे माता पिता तुम पर लाखों खर्च करते हैं। आखिर तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? तुम मेरी सहेली नहीं हो, मुझे तुमसे नफरत है। बहुत अच्छा पढ़ती हो, इस बात का बहुत घमंड है तुम्हें। तुम जैसी सहेली की मुझे कोई जरूरत नहीं। छोटू की बातें टोनी के दिल पर लग गई, वो वहाँ से चली गई। यूं ही कुछ दिन बीते, फिर आए परीक्षा के दिन। सभी ने परीक्षाएं लिखी, सारी परीक्षाएं खत्म हुई, परीक्षा के परिणाम भी आ गए। अपना रिजल्ट देखकर छोटू रोने लगी। मैंने सोचा कुछ था और यहाँ पर हुआ कुछ और। मैं तो सारे विषय में फेल हो गई। अब मैं अपने माता पिता को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? मर जाने का मन करता है। यूं दुखी हो रही छोटू तोता के पास टोनी आई। दुखी मत हो दोस्त, तुम्हें ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगी। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर तुम पढ़ लोगी तो तुम पास हो पाओगी। छोटू ने मन ही मन उसे कोसते हुए कहा। तुम्हें सब कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं, यही कहना चाहती हो ना तुम? यूं मन ही मन कहने के बाद उसने टोनी से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम जैसे दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ हम दोनों हमेशा यूं ही दोस्त बने रहें। टोनी ने भी हामी भरी। टोनी ने छोटू तोता को बहुत अच्छे से पढ़ाया। छोटू ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। फिर परीक्षा के दिन आ गए। इस बार छोटू ने एग्जाम्स अच्छे लिखे, परीक्षा के परिणाम भी आ गए और छोटू तोता पास हो गई। खुश हुई छोटू ने कहा। दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं इस बार पास हो गई। फिर भी छोटू तोता मन ही मन सोचा करती कि टोनी ने उसका बहुत अपमान किया है। सही समय आने पर उसका बदला लिए बिना छोड़ेगी नहीं, ऐसा वो मन ही मन हमेशा सोचा करती। यूं ही दिन गुजरे। एक दिन सभी दोस्तों ने सोचा कि वे सभी मिलकर कहीं घूमने निकलेंगे। मही चील, चीचू कौवा और लूसी कबूतर सभी मिलकर कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वे सभी ट्रेन में बैठकर सफर करने लगे। वे सभी दोस्त एक दूसरे के साथ गप्पे शप्पे लड़ाते हुए यात्रा का मजा ले रहे थे। अचानक ट्रेन रुक गई। क्या हुआ होगा ये सोचकर सभी घबरा रहे थे। तभी उन्हें पता चला किसी तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन कुछ घंटों तक नहीं चलेगी, ये उन्हें पता चला। क्या हुआ, अब ना जाने कब तक यूं बैठना पड़ेगा। ट्रेन ठीक एक नदी के ऊपर ब्रिज पर खड़ी थी। नदी का पानी देखकर, अरे वाह दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, क्यों ना हम सब ट्रेन के ऊपर चढ़कर एक सेल्फी ले लें? ना बाबा, मुझे तो बहुत डर लगता है। टोनी, तू तो चलना, ये सब डरपोक है, तू चलना मेरे साथ। छोटू जबरदस्ती कर टोनी को अपने साथ ऊपर ले जाती है। वहाँ वो सेल्फी ले रही थी।
इतने में टोनी की नजर पानी में चल रहे मगरमच्छ पर पड़ी। दोस्त छोटू, पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, यूं बार बार टोनी ने छोटू से कहा। छोटू ने मन ही मन सोचा, ये सही मौका है, इसे पानी में फेंक देती हूँ। पहले से ही तैयारी कर चुकी छोटू ने अपने साथ लाई हुई रस्सी टोनी के पैरों में बांधकर उसे मगरमच्छ का शिकार बनाने के लिए पानी में छोड़ने वाली थी, पर उसकी साजिश उस पर ही भारी पड़ गई। टोनी को गिराने के चक्कर में छोटू ही रस्सी से लटककर नीचे गिर रही थी। छोटू जोर जोर से रोने लगी, टोनी मुझे बचा लो, रस्सी को कस कर पकड़ लो, अगर मैं नीचे गिर गई तो मगरमच्छ का शिकार बन जाऊंगी, इस रस्सी को कस कर पकड़ना मेरी दोस्त। टोनी ने अपनी पूरी जान लगाकर रस्सी को ऊपर खींचने की कोशिश की। छोटू तुम धीरज रखना, कुछ नहीं होगा, दोस्तों हमें बचा लो, दोस्तों जल्दी आओ। उसकी चीख सुनकर नीचे बैठे हुए लूसी कबूतर, चीचू कौवा और मही चील ऊपर आ गए। फिर उन तीनों ने मिलकर रस्सी खींचकर छोटू तोता को बचा लिया। इस तरह छोटू तोता की जान बच गई। दोस्त तुम्हें पता भी है मैं कितना घबरा गई थी, मेरे लिए एकमात्र सहारा तुम ही हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं। नाराज होकर टोनी नीचे चली गई, उसके पीछे पीछे सारे दोस्त चले गए। टोनी वही सोच सोच कर बहुत घबरा रही थी। छोटू तोता मन ही मन सोचने लगी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, माता पिता को खोकर वो मुझे को सब कुछ मानती है, और मैं उसे मारने की सोच रही थी, इसीलिए भगवान ने मुझे सजा देनी चाहिए। रोती हुई छोटू तोता टोनी के पास गई। दोस्त मुझे माफ कर दो, आज के बाद तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगी, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी, हर जगह सेल्फी लेती नहीं घूमूंगी। छोटू को रोता हुआ देखकर टोनी ने उसे अपने सीने से लगाया। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा दोस्त। अब तुमने देख लिया ना, तुम्हारे सेल्फी के चक्कर में तुम्हारी जान चली जाती, अगर थोड़े में तुम्हारा पैर फिसल जाता तो तुम सीधे जाकर मगरमच्छ का आहार बन चुकी होती। यूं सभी उसे डांटने लगे। उसने सभी से माफी मांगी। कुछ समय बाद ट्रेन चल पड़ी। जिस जगह वे सभी जाना चाहते थे वहाँ पर पहुँचकर सभी ने बहुत मस्ती की। वहाँ की प्रकृति की सुंदरता उन्हें बहुत भा गई। हर साल जब भी छुट्टियाँ पड़ेगी तब सभी सहेलियाँ मिलकर इसी जगह फिर से घूमने आएंगे, ऐसे उन्होंने सोच लिया। हाँ हम हर बार इसी जगह आएंगे। उन सभी ने सारा दिन वहाँ पर अच्छे से बिताया। शाम होते ही वापस अपने गाँव की ट्रेन पकड़ी और अगली सुबह अपने गाँव पहुँच गए। तब से छोटू तोता ने अपना मन बदल लिया था। उन दोनों के बीच दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हुई थी कि वे दोनों दोस्ती का आदर्श बन चुके थे। वे दोनों हमेशा साथ ही रहा करते थे।